একদম বলে ভালো, থ্যাংক ইউ। अनेक अर्थ वहाँ क्या कर रहे हैं सब उनका टीका में निकाल रहे हैं।
और इधर जो सत्यम परम धीमो जो सच्चिदानंद रूप में इसमें विशेष रूप में भगवान की जो जो सचिद रूप है उसका वर्णन कर रहे हैं। बोले किस प्रकार भगवान के रूप, बोले सच्चिदानंद रूप जो रूप है वो क्या हमारे जैसे मलमूत्र इत्यादि में वर्णित निर्मित नहीं है क्या? ये जो पंचभूति शरीर की तरह जो पंचभूत में विलीन होने वाला चीज में निर्मित नहीं भगवान की जो स्वरूप है कैसे निर्मित? बोले सत चित और आनंद समय और फिर कैसा ना विश्व इत्यादि नेतवे विश्व उत्पत्ति आदि आदि अर्थ में सृष्टि स्थिति और प्रलय तीन चीज बताए भगवान क्या है। ये सारी सारी विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं और उत्पत्ति स्थिति उसको पालन पोषण करते हैं और आवश्यक पड़ने के बाद भी उसको क्या करते हैं संघर्ष विनाश भी करते हैं। इसलिए इनका जो क्या है हेतु है मतलब जिनसे ये सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है वैसा ही श्री कृष्ण उभय हम सब क्या करें प्रणाम करें। तो इस प्रकार ये मंगलाचरण करके प्रणाम करते हैं ये भगवती महात्म्य को। इसमें ये बता सकते बोले वो क्या बोले कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे कहते श्री कृष्णाय भयम नमः। बोले कृष्ण को साथ में श्री श्री मतलब होता है शोभा श्री मतलब शक्ति श्री मतलब सौंदर्य और श्री मतलब लक्ष्मी और जो मूल लक्ष्मी श्री राधा रानी कहते हम केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं करते हैं कहते श्री कृष्ण को साथ में श्री राधा रानी को भी प्रणाम करते हैं। इसलिए कहते श्री कृष्णाय वयम नुमा कि जो नुमा शब्द आता है कहते ये शरणागति भगवान के चरण में हम कहते हैं नमस्कार। नमस्कार मतलब क्या ना मतलब होता सारे अहंकार को छोड़ करके हैं सारे अभिमान को छोड़ करके हम राधा कृष्ण के चरण में प्रणाम करते सारे अहंकार को छोड़ करके चरण में प्रणाम करते हैं। तो यहाँ कहते हैं भगवान के चरण में प्रणाम करने से लाभ क्या है कितना भगवान के चरण में प्रणाम और शरणागति नव मतलब नमस्कार शरणागति नव मतलब है भगवान के चरण में नमस्कार करने से क्या होता है। तो उसमें बताए बोले सचिदानंद रूपाय भगवान का जो स्वरूप है सत चित और आनंदमय इसलिए भगवान की हम पुत्र है कहते हम अमृतस्य पुत्रा भगवान की संतान होने का नाते कहते पिताजी में जो गुण है वो गुण बच्चे में भी वो गुण हुआ करता है। अगर कोई भगवान के चरण में शरणागत होगा उसको भी सच्चिदानंद तो प्राप्त हो गया। जैसे भगवान की जितने भक्तों को देखो सत मतलब जो सत्य है हैं जितने भगवान की गोपियों को देखो सखाओं को देखो गोलोक वृंदावन में नित्य विद्यमान कोई मरते नहीं उनका जन्म मृत्यु से अतीत है। इसलिए कुछ चीज़ भी एक दिन हमें प्राप्त हो जाएगा सत्यम सत चीत चीत मतलब ज्ञान स्वरूप जब भगवान के चरण में शरणागत होंगे हमें भी पूर्ण ज्ञान की अपने आप सारे ज्ञान हमारे अंदर में आ जाएगा और जो आनंद है भगवान के स्वरूप आनंद है एक दिन हम भी वही आनंद आनंदमय प्राप्त होगा। इसलिए नमस्कार मतलब शरणागत होने से फिर क्या होगा बोले ताप त्रय विनाशाय उनके चरण में शरणागत होने से जो आध्यात्मिक आदि दैविक जो आदि भौतिक ये सबको दुख कष्ट सता रहे तीन तरह का दुख किसी को भी जगत में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो तीन तरह का दुख में दुखी नहीं है। सबसे पहले जो मानसिक दुख शरीर मन से बताओ संसार में ऐसे कौन सा व्यक्ति जिसको मानसिक कष्ट नहीं सब बीमारी का दवा मानसिक कष्ट का कोई बीमारी दवा नहीं कोई तन से दुखी कोई मन से कोई धन से कोई परिवार से कोई बेटा से कोई पैसा से कोई परिवार से दुखी दुखी हैं ये मानसिक दुखी। और जो कोरोना आ गया था भूचाल आ गया बारिश इसका दुख और एक जीव से जो दुख है समस्त दुख क्या हो जाएगा तापत्रय विनाश आए कहते नाश नहीं कहते विनाश विनाश मतलब क्या है जैसे थोड़ी दुख आया हाँ दुख चला गया सुख आया फिर थोड़ी दुख जो आया चला गया फिर तुम्हें दुख दोबारा आती है ना संसार में तो यही होता है ना जैसे कोई एक दुख आया सोचते हैं ये दुख खत्म हो जाए शांति मिलेगा देखना वो दुख तो गया नहीं फिर दूसरे दुख आ गया फिर। लेकिन यहाँ कहते हैं भगवान के चरण में शरण विनाश विनाश मतलब नाश नहीं कहते विनाश विनाश मतलब होता है भगवान के चरण में शरणागत होने से
जन्म जन्मांतर तक जितने दुख कष्ट है सारे दुख कष्ट चिरकाल के लिए नष्ट हो जाएगा। कभी जीवन में दोबारा दुख आएगा नहीं, कभी दुख नहीं आएगा। कहते ऐसे कौन है, कहते जो भगवान हैं उनके चरण में हम सबके सब उनके चरण में शरणागत होते। जो नुमा शब्द है ये शरणागत वाची शब्द है। तो ये सब भागवतों के महात्मा को प्रकाश करने के लिए नमिषा लग्न में जो सोना का ऋषि ने शुद्ध गोस्वामी महाराज को क्या करे प्रश्न कर रहे हैं, क्या बल्कि नमिष्य सुकमासिन मालिवाते महामते तथामतर सस्याद कुशल सोन को अब्रवीत कि ये शारीरिक शारीरिक कथा रस में जो कथा भगवान की कथा श्रवण कराने में तो श्रवण करने में जो अत्यंत कुशल प्रकरण था सोनक ऋषि ये क्या करें ना सिर्फ शुद्ध गोस्वामी पाद जो सारी सारी कथा में प्रवीण है पारंगत है भगवत कथा श्रवण कराने में उनको जाके तद्वित की परिप्राप्त न करें प्रश्न न सेवया उनको क्या करें पहले तो प्रणाम कर रहे उसके बाद उनको भगवत संबंधित प्रश्न पूछ रहे कि क्या क्योंकि हे प्रभु आपने कृपा करके बताओ कि ये सारी सारी जो कलिहत जीव है उनका किस प्रकार उद्धार और कल्याण हो सकता है। बोले क्यों, बोले कि यह घोर कलो प्राय जीव असुरता गता क्लेशदांत से तस्व शोधनम किम परायण बोले कि सारी सारी जो घोर कली काल अभी व्याप्त हुआ है इसमें सारी सारी जीव ने क्या करे असुरता गता ये आसुरी धर्म को प्राप्त किए और सब क्या न क्लेशकांत से ये सब आक्रांत हुए बोले किस में न क्लेश में सारी सारी दुख और दुर्दशा में पड़े हुए हैं। तो इन लोगों का शोधन मतलब उन लोगों का उद्धार के लिए कुछ उपाय है क्या, और ये सारी सारी जो ब्राह्मण जितने से वर्ण आश्रम के धर्म है ये कोई पालन नहीं कर रहे, ब्राह्मण अपने द्विजत्व को नष्ट कर दिए और ये सारी की सारी अपने जो वर्ण आश्रम के जो विशेष रूप में शास्त्र में विधि और निषेध कहा गया है इसका कोई पालन नहीं कर रहे, इस प्रकार इन लोगों का किस प्रकार उद्धार होगा आप विशेष करके कृपा करके बताओ। क्यों, क्योंकि आप ही एकमात्र सामर्थ्य शक्ति सामर्थ्य आपके अंदर में है आप इसको बता सकते हैं। बोले क्यों न इस कारण के लिए बल्कि चिंता मणि लोगों सुखम सुखम सुरदुः स्वर्ग संप्रदम प्रयच्छति गुरु प्रीतः तो इसमें बता रहे हैं कि ये जो चिंतामणि है ये ज्यादा से ज्यादा क्या प्रदान करते हैं बोले कि लोगों को सुखम बोले कि ये जागृति जगत की जो सुख है वही प्रदान कर सकते हैं। और सूरज ध्रुव ध्रुव मतलब ध्रुव सूरज मतलब जो कल्प वृक्ष है वो क्या प्रदान करते हैं बोले स्वर्ग संपदा ये स्वर्ग की जितना सारी ऐश्वर्य है वही प्रदान करते हैं और ये दोनों चीजें अनित्य है। बोले क्यों ना अगर स्वर्ग में आपको कोई चीज प्राप्त होगा या आपको स्वर्ग भी प्राप्त हो जाए बोले तैतम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम खीणे पुण्य मत लोक विसंति अगर स्वर्ग को कोई चला गया तो उनका जो पुण्य खीण होने के बाद क्या करना मत लोक में आके फिर ये जन्म मृत्यु जरावर्ती के चक्कर में पड़ता है। तो इसलिए ये जो चीज दोनों प्रदान करते हैं क्या है ना अनित्य है मगर हे प्रभु आप एकमात्र शक्ति सामर्थ्य आपके अंदर है। बोले क्यों ना प्रयच्छति गुरु विधि आपके अंदर आपके जो गुरु महाराज उनकी विशेष कृपा है इसलिए आप क्या करो मुझे ये बात श्रवण कराओ इस प्रकार शारीरिक शरीर जीव का उद्धार हो सके और विशेष रूप में मेरा करना रसायन मतलब बोलते अज्ञान धांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा कि प्रभु आपकी जो हरि कथा है वो कैसा बोली अज्ञान धांत विध्वंस मतलब अज्ञान रूपी अंधकार को ये ध्वंस करने वाला और किस प्रकार बोली कोटि सूर्य सम प्रभा बोली एक सूर्य से क्या होता है कोई भी अंधकार नहीं रहता पर आपकी जो कथा है वो कोटि सूर्य की भांति अज्ञान को अंधकार से दूर करने वाला तो आप उसकी हरि कथा को श्रवण कराओ जैसे मम कर्ण रसायनम मतलब मेरा कर्ण हो ये क्या रसायन हो तो उसी चीज को बोलने के लिए श्री शुद्ध गोस्वामी पाद बड़ा प्रसन्न होकर बताते हैं क्या ना चलो ठीक है अगर श्रवण ही कराना है तो मैं क्या कराता हूँ कोई भागवत शास्त्र को भागवत में श्रवण कराता हूँ वो कैसा है बल्कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास विनाश हेतवे
श्रीमद् भागवतम शास्त्रम पढ़ो क्षीरेण भाषितम यह सोनोराधि रोषी ये श्रवण करो। बोले क्या ना, ये जो श्रीमद् भागवतम शास्त्र, ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र की श्रवण करो। बोले ये क्या है ना, किरेण भाषितम, किरेण मतलब सुखदेव गोस्वामी पाद के द्वारा जो कहा गया है। और ये इसका क्या महत्व है, बोले कि सारी क्षण कलिहत जीव, बोले काल व्याल मुद्रास, व्याल मतलब होता है सर्प, ये काल रूपी सर्प के ये सारी क्षण जो उनको ग्रास कर रहा है, ये जो जीवों को ग्रास कर रहे, उससे भी जो उद्धार कराने वाले वो कौन है, श्रीमद् भागवतम में। इसी भागवत में महात्मा को श्रवण करो, तो उसको भागवत में जो श्रवण करा रहे थे, तो किस प्रकार श्रवण करा रहे, बल्कि जब श्री परीक्षित ने ये अभिशप्त हुए, ये 7 दिन के बाद तुम्हारा मृत्यु होगा, तो अपने चरम भागवत प्राप्ति के लिए, चरम कल्याण के लिए ये क्या किए, जाके गंगा के किनारे उपस्थित हुए और वहाँ बहुत सारे मुनि ऋषि थे, वहाँ प्रश्न करे कि 7 दिन में जो मरने वाला है तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो वहाँ बहुत सारे मुनि ऋषि योगी इत्यादि उपस्थित थे, कोई तो बोला ज्ञान की आराधना करो, कोई बोले तपस्या करो, कोई बोले हवन करो, कोई बोले कर्मकांड करो, दान करो, इस प्रकार जो बोल रहे थे। और कोई भी सामने आके नहीं बोल रहे थे कि तुम ये करो, मैं तुम्हारे इसमें उद्धार हो जाएगा। और जब उस समय से सुखदेव गोस्वामी पाद का वहाँ आगमन होता है, बल्कि वहाँ तो बहुत सारे जड्डा जड्डा धारणकारी मुनि ऋषियाँ थे, मगर ये जो 16 साल के जो नंगे धड़ंगे सिंह ने सुखदेव गोस्वामी पाद का दर्शन करके सब बड़े 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 मुनि ऋषि भी क्या किए, उन्होंने साष्टांग बनकर प्रणाम किए। तो परीक्षित महाराज ये प्रतीत हुआ, ये कोई साधारण नहीं हो सकते, कोई विशेष रूप में ये कोई विशेष संत ही है। तो इनको प्रणाम करके फिर ये प्रश्न करते कि जो 7 दिन में मरने वाला उनके लिए क्या करना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद ने बोले कुछ नहीं, अभी भी क्या करो ना, श्रवण करो। तो जो भागवत शास्त्र की श्रवण ही उसका क्या है ना, चरम कल्याण। बल्कि और जितने सारे योग ध्यान है, बोले उसमें श्रवण करने से कुछ नहीं होता, जैसे पतंजलि का जो योग है उसको कहीं अगर श्रवण किया तो कुछ होगा उसका, कोई नहीं, उसको तो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसमें ही उसका कुछ कल्याण हो सकता है। और जो भक्ति है, भक्ति अत्यंत सहज और सरल भी है। बोले कैसा, उसको श्रवण करने से, इसलिए श्रवण पहला ही उनको भक्ति जो नवधा भक्ति है पहला लक्षण होता है। तो इसलिए श्री महाराज बताते हैं, बल्कि जब ये सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज जो श्रवण करा रहे थे, बोले तृतीय स्कंध तक जब श्रवण कराए ना, तब तक सबका अंदर ये शंका था, बोले कि कभी भी परीक्षित महाराज का उद्धार हो ही नहीं सकता। बोले खाली श्रवण करने से कैसे हो जाएगा, कुछ तो ध्यान करना चाहिए, थोड़ा सा तो तपस्या करना चाहिए, इस प्रकार सबका शंका था। जब तृतीय स्कंध का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद, सबका ये दृढ़ विश्वास हो गया कि क्या ना, इस परीक्षित महाराज को अवश्य उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार जब श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने परीक्षित महाराज को ये भागवत श्रवण करने के लिए, मंगलाचरण करने के लिए कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, एक अद्भुत हुआ। बोले परीक्षित कथा बोल तुम सभा संस्थित सुखे सुधा रोहित देवास्त्र समागम। बोले कि जब इस परीक्षित महाराज को ये सुखदेव गोस्वामी पाद ने कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे थे, तो सारी सारी देवता लोग क्या किए, जो स्वर्ग की जो अमूल्य संपद अमृत को ला के वहां के उपस्थित हुए। और उपस्थित होकर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी पाद, आप क्या करो, नहीं जो स्वर्ग की अमूल्य संपद है, ये जो निधि है, ये जो अमृत है, इसको क्या करो ना, अगर आप ये इनका मृत्यु भय से भागवत को श्रवण करा रहे हो, तो इनकी सुखदेव परीक्षित महाराज भी इसको पिला दो, ठीक है, मगर हमें क्या करो, वो भागवत शास्त्र का श्रवण करा दो। तो अभी सुखदेव गोस्वामी पाद सामान्य रुष्ट हो जाते हैं। बोले क्यों, बोले कि तुम जो लेने देने के चक्कर में आए हो, अर्थात बिजनेस करने के लिए आए हो, तुम्हें तो बिजनेस बिल्कुल पता है कि बिजनेस होता है ना, बोले समान वस्तु में बिजनेस होता है। वह कथा वह स्वधा वो कथा लोके वह काच वो मणि महान। बोले कि वह ये स्वधा मतलब कहाँ ये अमृत और कहाँ ये भगवत कथा और कहाँ मणि और कहाँ काच, इसको उपमा दे रहे कहाँ के सामान्य काच की टुकड़ा और कहाँ मणि है, ये दोनों के साथ कभी तुलना किया जा सकता है, और आप तो उसी प्रकार तुलना करने के लिए आए हो। वह स्वधा ये अमृत के बाद क्या महत्मा है, हमें ऐसे सुखदेव गोस्वामी पाद अमृत को भी क्या किए, तुच्छ बोलते। बोले कि ये अमृत साधारण नहीं है, ये अमृत निकलने के लिए भगवान को चार चार रूप धारण करना पड़ा। पहले एक हरि रूप धारण किए, दूसरा ये कच्छप रूप धारण किए, ये जो पर्वत को अपने
पेट के ऊपर धारण कर लगे। फिर क्या किए जब ये पर्वत फिर क्या हुआ धनवंतरी स्थिर न हुआ धनवंतरी क्या किए जागे कश्यप रूप धारण किया था। हाँ कश्यप रूप धारण किए घंटू करके वो इसको लाए। फिर अंत में उसको परिवेषण करने के लिए भी क्या किए भगवान ने वही अवतार रखा। तो लेकिन एक अमृत निकालने के लिए भगवान को चार चार अवतार ग्रहण करना पड़ा। बोले वही अमृत को अभी तुच्छ बोल रहे बोले हमें वास्तव में तुच्छ है। बोले क्यों बोले तो अमृत तो निकला मगर ये विशेष रूप में क्या किया बोले कि समान रूप में देवता और मानव देवता और दैत्य दोनों के दोनों ही क्या किए परिश्रम किए थे और दोनों को शक्ति शक्ति रूप में मिला नहीं ये तो केवल केवल देवताओं को ही प्राप्त हुआ। बोले कि क्या है ना पक्षपाती अमृत क्या किए ना पक्षपाती करके। तो इसीलिए मगर ये जो कथामृत है बोले कि पक्षपाती तो नहीं इसलिए एक गुण से ही उनसे श्रेष्ठ है। अगर भागवत कथा कहाँ हो रहा है तो वहाँ कोई भी आदमी उसका श्रवण कर सकते हैं। इसमें नियम नहीं कि केवल क्या ब्राह्मण आकर श्रवण करेंगे या कोई भक्त ही आकर श्रवण करेंगे बोले सब उसका श्रवण कर सकते हैं। क्यों जब श्री सुखदेव गोस्वामी वहाँ कथा कर रहे थे वहाँ सारे सारे भक्त नहीं थे वहाँ ज्ञानी भी थे कर्मी भी थे और सुखदेव गोस्वामी एक प्रभाव था इसलिए वहाँ सब सारे सारे लोग केवल के एक भगवत कथा को। तो फिर ये जो अमृत है उनको निकृष्ट क्यों कहा गया बोले कि अमृत दीर्घ जीव करता है और भागवत जो कथा होते बल्कि दिव्य जीव करते हैं। दीर्घ जीव मतलब क्या ये बस आयु को बढ़ा देते हैं। ठीक है कभी जैसे एक जीव कभी मरेगा नहीं मगर कम आयु में भी दिव्यता के साथ भगवत भजन के साथ कैसे जीवन धारण करना है ये अगर कोई सिखाता है वो क्या है ना श्रीमद् भागवत में। तो ये तो पक्षपाती कर देते हैं ये जो अमृत शास्त्रों के अमृत मगर ये पक्षपाती नहीं करते ये दीर्घ जीव करते दिव्य जीव कराते। तो इस प्रकार ये भागवत अमृत का जो महिमा ये ज्यादा है। तो इसीलिए सुनते हैं ये तो छोड़ो ये तो क्या है ना तुम्हें बिजनेस ही नहीं करना आता है। तो इस प्रकार उनको देव क्या ना उनको बड़ा ऐसे मजाक करके क्या किए श्री सुखदेव गोस्वामी ने उनको वहां से भगा दिए। फिर ये परीक्षित महाराज को श्री भागवत को श्रवण करा दिए। इस प्रकार श्रवण करा रहे ना तो उसी चीज को जो भागवत को श्रवण करने से पहले इसमें शुभ गोस्वामी पाद ने बता रहे श्रवण करते ऋषियों को ना एक बार ये चीज को कौन ना विशेष रूप में जो बोल रहे थे बोले कौन ना चतुर्समुद्र कहा ना ये हरिद्वार क्षेत्र में ये नारद मुनि और अन्य सारी सारी ऋषियों को श्रवण करा रहे थे। जब ये बात को बताए जो नारद मुनि और ये जो चतुर्समुद्र इनका जो संवाद के बारे में बताए तो सोनो ऋषि ने बड़ा अचंभित होते हैं बोले कि ये कैसा बात बोले कि जो नारद मुनि है ये उनको अभिशापग्रस्त है बोले दूध दोहन का समय से ज्यादा कहीं टिकते नहीं मगर ये जो चतुर्सनक है ये कैसे है बोले कि ये बद्रियाश्रम त्याग करके कहीं जाते नहीं। एक तो स्थिर है और एक अस्थिर है फिर इन दोनों का मिलन किस प्रकार हुआ तो उसी चीज को वर्णन करते हुए इसमें शुद्ध संपादन बताते हैं
6 अध्याय में देखिए श्रुत ने वर्णन किया है, उसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का बड़ा अनुक्रम स्वरूप उन्होंने उस महात्मा को बताया। तो हम कल कथा श्रवण किए थे जिस समय व्यास जी ने, जिस समय ये समकालीन ऋषि ये नारद जी को पूछते हैं कि नारद जी भ्रमित होते होते भ्रमण करते करते बद्रिकाश्रम ले जाते हैं, तो नारद जी का जिस मुंह लटका हुआ है तो ये सनकादी ऋषि ये चतुसन उनको बोलते हैं कि नारद जी आपको क्या हुआ है, आप तो आत्मराम, आप तो काम हो, भगवान के भक्ति में आप हर्ष में डूबे रहने वाले हो और भक्त इस प्रकार का दुखी नहीं हो सकता, इसलिए आपका दुख का क्या कारण है, आप क्यों दुखी हो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई महान वस्तु, महान अमूल्य वस्तु, कोई धन आपका खो गया हो और ढूंढते ढूंढते आप इधर के उधर आप ढूंढ रहे हो। तब उसी समय से नारद जी चतुसन को प्रणाम करते हैं बद्रिका आश्रम पे और अपने सारे के सारे बात बता रहे हैं। नारद जी क्या बता रहे हैं कि जिस समय ये ब्रह्मा जी ने तराजू लेके क्या किया ना, भागवत जी का जो महिमा को जैसे ही तराजू में लेके वहाँ पे तोड़ने की कोशिश किया तो भागवत जी का जितना भी महिमा एक तरफ होके बाकी अन्य जितने भी शास्त्र है, जितने भी धर्म है, वो सब क्या हुआ, ऊपर उठ गया। तो उस समय से जितने भी देव ऋषिगण वहाँ पे उपस्थित थे वहाँ पे विस्मय हो गए और देवतागण वहाँ पे श्रीमद भागवत जी का जय जयकार करते हुए वहाँ भागवत जी की स्तुति करने लगते हैं। तब उसी समय उसके पश्चात नारद जी ने सोचे कि कलिकाल में किस प्रकार इसका प्रभाव है, तो नारद जी जैसे कलिकाल में भ्रमण करते हुए उन्होंने बहुत सारे तीर्थ में गए, पुष्कर जो प्रयाग है काशी गोदावरी तथा पुष्कर प्रयाग काशी में गए, गोदावरी में गए और बता रहे हैं कि हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंधनम, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गए और श्रीरंगम साउथ में गए और अन्य जितने भी तीर्थ हैं पूरा भ्रमण किए नारद जी। और हर जगह नारद जी जैसे भ्रमण करते हैं वहाँ पे बस एक ही चीज देखते हैं, मंद सुमंद मदय मंद भाग्य उपद्रता पाखंड नेता संत विरक्त सपरिग्रह। इसमें विशेष करके वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ पे जैसे ही देखते हैं सब लोग अपने पेट पोषने के लिए कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, मंद सुमंद मदय अमंद मदय सबका मंद भाग्य उपद्रता, सबका जो अमंद यानी बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, धर्म कार्य में कोई कर नहीं रहा है, सब पाप कार्य में नियुक्त हो रहे हैं और सब पाखंडी बन रहे हैं, कोई भी कोई भगवान के भक्ति करने के लिए इच्छुक नहीं है, और तो और कोई कोई अपने तरुणी ही विक्रेता मतलब बता रहे कि अपने कोई कोई जो तरुणी वो उनको क्या कर रहे हैं बिक्री करने के लिए भी उद्यत हो रहे हैं, इतने अधर्म हो रहा है। चारों तरफ देखा, हर जगह पे देखा कि कली का स्थान है, पूरा समस्त जगह पे देखते हैं कली का स्थान देखते हुए कि नारद जी सोचने लगे कि मैं क्या करूं अभी वृंदावन चले जाऊं। वृंदावन क्यों नहीं सोचने लगे कि भक्ति भक्त थे यत्रह वृंदावन में ये भक्ति देवी हर समय तब ये नारद जी वृंदावन गए, ऐसे सोचते सोचते वृंदावन गए, जैसे वृंदावन गए मया दृष्टा अद्भुतम, वहाँ पे बता रहे हैं कि नारद जी स्वयं ये चतुसन को बोल रहे हैं मैं वहाँ पे एक अद्भुत चीज देखा, क्या देखा मैंने, बता रहे हैं कि एक बड़े सुंदर पद्म पलाश लोचना तरुणी, बड़े सुंदर एक तरुणी वहाँ पे बैठे हुए हैं और बड़े सुंदर दिव्य रूप, उनके आंखें पद्म पलाश लोचना पद्म के पंखुड़ी की तरफ और उनके चारों तरफ सुंदर सुंदर सखीगण है जिनका भी स्वरूप वहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि उनका भी बड़ा सुंदर स्वरूप है, उन्होंने उस जगह पे क्या कर रहे हैं उन सखी को जो तरुणी बैठे हैं सिंहासन पे उनके दोनों तरफ पे दो बूढ़े लेटे हुए हैं और उनका जो प्राण ना धीरे धीरे उनका निश्वास जा रहा है धीरे धीरे, जैसे मानो कि वो कुछ ही क्षण में प्राण त्याग कर देंगे ऐसे उनका स्थिति है। उसी स्थिति में नारद जी देखते हैं कि ये तो जो तरुणी बैठे हैं वो रो रहे हैं और बाकी जितने भी सखी उनके चारों तरफ उनको आलट चाहन कर रहे हैं, कोई उनको पंखा और कोई उनको सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार नारद जी बड़ा आश्चर्यचकित होकर यहाँ पे चतुसन को बता रहे हैं कि मैंने इस प्रकार का वहाँ पे जाके वृंदावन में देखा। अब नारद जी वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं पहुँच के फिर नारद जी वहाँ पे यहाँ पे कृष्ण चक्र के ठाकुर दो कारण बता रहे हैं,
एक कारण तो ये है कि पद्म पलाश लोचन नेत्र, तो बता रहे हैं जो तरुणी थे वो बड़े सुंदर थे, और नारद जी कौन है, साक्षात ब्रह्मचारी, तो बता रहे हैं कि वहाँ पे ब्रह्मचारियों का कोई काम नहीं है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि शायद मैं कहीं माया में आकृष्ट न हो जाऊँ। इस प्रकार उनको याद आता है कि जिस समय ठाकुर जी ने उनको हरि रूप देव प्रदान कर दिया, बोले मैं माया में आकृष्ट ना हो जाऊँ, इसलिए मैं क्या करूँ यहाँ से भाई निकल जाऊँ। दूसरे कारण वहाँ पे देखा कि रोना धोना हो रहा है, सब लोग जोर जोर से क्रंदन कर रहे हैं, तो नारद जी बोले मैं तो भाई साधु हूँ, और साधु को रोना धोना से क्या मतलब है, इसलिए यहाँ से भाई चलो, यहाँ भी कलिका स्थान है। तो इस समय जैसे ही नारद जी जा रहे थे, तब वो सिंहासन पे जो तरुणी बड़े सुंदर रूप में जो सखी बैठी थी, वो बता रहे हैं कि भोगो साधु खनम तिष्ट मच्चित अविनाशय दर्शन तभी गुलाकुश्य दर्शन तब लोक से सर्वथा अभवरम हर अभर परम। तो इसमें बता रहे हैं कि भोगो साधु खनम तिष्ट, कि हे साधु आप थोड़े देर के लिए क्या करो, रुक जाओ। क्यों रुक जाओ, कि आपके दर्शन मात्र से समस्त अघ अघ यानी समस्त पाप क्या होता है वो हर करम उदक्षिणा क्या हो जाते हैं, सारे के सारे पाप आप उसको हरण कर दे। तो आप जैसे साधु तीर्थ गुरुवन के तीर्थान स्वंत स्थित प्रदान करते हो, आप तीर्थ को भी तीर्थत्व प्रदान करते हो और दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। आप क्या करते हो, आपके दर्शन से ही क्या होते हैं ना, पवित्र हो जाते हैं सारे जीव जगत, आपके दर्शन से प्रभु पवित्र हो जाते हैं, आप कृपा करके रखो। तो यहाँ पे श्री नारद जी उनको प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, आप कौन हो यहाँ पे, बदर देवी सविस्तारम तस्य दुःखस्य कारणम, कि बदर आप बोलो आपको क्यों दुख है, आप यहाँ पे इतने सुंदर हो और ये सखीगण और ये दोनों कौन है और आप कौन हो, और आपका जो पद देवी स्वदुःखस्य कारणम, स्वदुःख आपके जो दुख है वो दुख का कारण आप कृपया बताओ। तो यहाँ पे एक फिर से प्रश्न उठता है कि अभी अभी नारद जी सोच रहे थे ये तो पद्म पलाश लोचन नेत्र, इनका जो आँख है बड़ी सुंदर है, और ये नारद जी ब्रह्मचारी है, तो इनसे पूछना और रोना धोना से कोई मतलब नहीं, तो जा ही रहे थे, फिर ये रुक क्यों गए। तो बता रहे हैं कि ये भक्ति देवी साधारण नहीं है, ये भक्ति का कुछ प्रभाव है, इसी प्रभाव के कारण वहाँ पे नारद जी थोड़े देर के लिए टिक गए। और दूसरे कारण यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस समय भक्ति देवी उनको बोलते हैं भोगो साधु खनम तिष्ट, और जैसे ही नारद जी आश्चर्य होके देख रहे हैं, क्या आश्चर्य होके देख रहे हैं कि बड़े सुंदर दूर से ही दिखाई दे रहे, भक्ति का जो स्वरूप है वो बड़े सुंदर दूर से इतना जाचल्यमान हो रहा है, उनका जो भक्ति देवी का जो तेज है इतना तेज है, तो सोच रहे हैं कि ये कोई साधारण नहीं हो सकते। जागतिक लोग अन्य अन्य जहाँ पे भी गए, प्रयाग पुष्कर और हरिद्वार आदि जितने भी तीर्थों में गए, तो सारे तीर्थों में इस प्रकार वो अद्भुत कोई मनुष्य को देखे नहीं, तो दूर से ही सोच गए थे कि कोई मनुष्य नहीं हो सकते, कोई निश्चित रूप में कोई देवता ही है, कोई देवी है, क्यों भक्ति देवी का जो स्वरूप का जो कांति का जो छटा है वो इतना चाचुल्यमान हो रहा था कि नारद जी उसमें विस्मित हो गए, आश्चर्य हो गए, और वहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। तो यहाँ पे भक्ति देवी स्वयं बोलते हैं अहम भक्ति रति ख्याता इमो में तो नया मतो, मैं कौन हूँ, अहम भक्ति रति ख्याता, मैं ये भक्ति देवी हूँ, और मेरे ये दो तरफ में जो बैठे हुए हैं सोए हुए हैं ये कौन है ना, ये ज्ञान वैराग्य ज्ञान वैराग्य नामिनो काल जोगे न जटिला, ये कौन है ना, ज्ञान और वैराग्य है, लेकिन ये मेरे पुत्र, ये दोनों मेरे पुत्र है, काल क्रम से ये जर्जरा जर्जरा यानी जराग्रस्त हो गए हैं, लेकिन मैं क्या हो गया हूँ, तरुणी हूँ। तो नारद जी और भी आश्चर्य हो गए। साधारण रूप में क्या देखा जाता है, साधारण रूप में देखा जाता है कि कैसे अगर माता अगर वृद्ध हो जर्जरा हो तो उनके जो पुत्र है पुत्र संतान आदि वो तरुण तरुणी होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक आश्चर्य, माता तरुणी है और पुत्र जर्जरा वृद्ध हो चुके हैं, तो ये कैसे संभव हो गया। तब तो वहाँ पे श्री भक्ति देवी को ये बात जब नारद जी पूछते हैं तो भक्ति देवी वहाँ पे बोलते हैं कि उत्पन्ना द्राविड़े सावाहम वृद्धि कर्नाटके गदा क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे चिन्हता कथा, कि हे नारद जी उत्पन्ना द्राविड़े, हम द्राविड़ देश में उत्पन्न हुआ
वृद्धि कर्नाटक गता। जब मैं कर्नाटक गया ना, वहां पे मेरा क्या हुआ ना, वृद्धि हुआ। वृद्धि कर्नाटक का मतलब साउथ में, साउथ में बड़े बड़े संत लोग आए, श्री रामानंदाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, और साउथ के ऐसे इस प्रकार बड़े बड़े भक्त हैं, जिनके कारण क्या हुआ ना, भक्ति वो उन्होंने पृष्ठ करवाया सनातन धर्म का वहाँ पे, भक्ति धर्म का और एक श्री संप्रदाय का वहाँ पे प्रचार प्रसार करवाया। तो बता रहे हैं कि मैंने तो उत्पन्न द्राविड़ में हुआ, लेकिन वहाँ पे मैं जैसे ही कर्नाटक में गया वहाँ पे मेरा वृद्धि हुआ। तो इसके ऊपर एक टीकाकार बता रहे हैं कि उत्पन्न अहम द्राविड़े कि भक्ति देवी कब, भक्ति को कोई देखा है, ज्ञान वगैरह कोई देखने वाला चीज है? तो बता रहे हैं भक्ति देवी कौन है कि जब उत्पन्न होते हैं, जब भक्तों का प्रेम से भगवत दर्शन से या साधु गुरु वैष्णव के दर्शन से कृपा से ये हृदय में क्या होता है, हृदय भगवत हृदय जब द्रवीभूत हो जाता है, द्रविड़े जब द्रवीभूत हो जाता है तब ये हृदय में उत्पन्न होते हैं। अब हृदय में उत्पन्न तो हो गए, ये भक्ति लता का बीज तो हृदय में आ गया, लेकिन क्या होता है जब तक हरिकथा रूपी अमृत कान में नहीं जाएगा, वो हरिकथा रूपी जल अगर हम उसके ऊपर सेचन नहीं करेंगे तो ये भक्ति लता का बीज क्या होगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। तो उसी प्रकार गुरुपाद पद्म बोलते हैं कि यहाँ पे मैं सबको हरिनाम तो दे, लेकिन जो जो लोग कथा सुनते हैं उनके गले में ही कंठी और उनके माथे में तिलक है, और जो कथा कीर्तन नहीं सुनते हैं उनके तिलक और कंठी हट चुका है। तो उसी प्रकार उत्पन्न द्राविड़े हम जब हृदय द्रविभूत हो जाता है तो ये भक्ति देवी हृदय में क्या करते हैं, उत्पन्न होते हैं। और वृद्धि कर्नाटके गता, कर्नाटक यानी कर्ण प्रदेश में जब ये भगवान भक्ति की जब कथा सुनते हैं तब वो क्या होता है ना, सेवा रूपी जल वहाँ पे आके भक्ति लता बीज को वहाँ पे बढ़ा देता है, वो वृद्धि होते हैं। फिर उसके आगे बता रहे हैं कि क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, ये मैंने जब महाराष्ट्र में आया तब वहाँ पे क्या हुआ, मेरा थोड़ा थोड़ा वहाँ पे भक्ति तो था लेकिन गुजरे नचा था। मैंने जब गुजरात में गया तब मेरा सारे के सारे भक्ति वहाँ पे नष्ट हो गया, सारे के सारे अधर्म पाप कर्म और कुकर्म सारे के सारे वहाँ पे मुझे दिखाई दिया और सब नष्ट हो गए। तो बाद में जैसे ही भक्ति देवी का जब गुरुदेव बताते हैं कि बाद में जैसे ही भक्ति देवी का कथा सुनकर और उनके दो पुत्र पुनः तरुण हो जाते हैं तब उसी समय उसके पश्चात बता रहे हैं कि ये जो गुजरात में सबसे ज्यादा भक्ति वहाँ पे होता है, बड़े बड़े संत लोग वहाँ पे उत्पन्न होते हैं कि वल्लभाचार्य तुकाराम आदि भक्त लोग ये गुजरात में उत्पन्न हुए। और एक संत के उत्पन्न होने के बाद उस स्थान को ब्रह्मांड तारित धरे जने एक ब्रह्मांड को तारण करने के लिए केवल पूरा ब्रह्मांड के बात कह रहे हैं, एक ही भक्त का पे। तो जिस स्थान पे जन्म हुए हैं पूरा वहाँ पे भक्तिमय हो गया है। और सबसे ज्यादा लक्ष्मी बोल रहे हैं कि जो अंबानी वही के ही है, मोदी वही के भी है, अमिताभ बच्चन वही के है। तो बड़े बड़े जो सेठ, बड़े बड़े अंबानी वही, बड़े बड़े जो धनी वानी भी वही पे है। तो गुरुपाद पद्म बोलते हैं अगर भगवान की सेवा में अगर हम भगवान की भक्ति का हम करें तो ये लक्ष्मी क्या करते हैं, पीछे पीछे आते हैं सेवा करने के लिए। तो इससे आगे बता रहे हैं कि मैंने जब गुजरात पे गया तब मैं क्या हुआ, मैंने वृद्ध हो गया, मैं जराजीर्ण हो गया। तब मैंने सोचा कि क्या करूं ना, मैं वृंदावन चले जाऊं कि वृंदावन में भक्ति नृत्य थे जत्र, जहाँ पे भक्ति हर समय नृत्य करते हैं। तो मैंने सोचा वृंदावन आ जाओ और मैंने अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेके वृंदावन आ गया। जैसे ही मैंने वृंदावन आ गया तो अहम तरुणी हो, मैंने तो तरुणी हो गया, मेरा स्वरूप चेंज हो गया वृंदावन आते ही। लेकिन मेरे जो दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य उनका क्या हुआ ना, वो जीर्ण था, वो लोग क्या हो गए ना, जीर्ण जरा जीर्ण हो गए, वो बूढ़े हो गए। तो नारद जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप तो सारे आपके दर्शन से सारे कर्म से नाश करने वाला है और आपके दर्शन परम पवित्र है, आपके दर्शन परम मंगलमय है, इसलिए हे प्रभु आप कृपा करके क्या करो, मेरे ये दो पुत्र को पुनः तरुणी कर दो, अन्यथा मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। तब वहां पे भक्ति देवी स्तुति करते हैं, जयति जयति मायम, कि
आप क्या करते हो, जो त्रिभुवन के जितने भी माया है उसको माया के भी आप बने हो, तो इसीलिए आपकी कृपा से ही ध्रुव तुला जैसे महाभागवत आपकी कृपा से ही ये हुए हैं ना, उनको भगवत भक्ति प्राप्त हुआ है, इसलिए आप मेरे दो पुत्र के ऊपर निष्कृपया कृपा करो। तो नारद जी थोड़े से बस देर में ही उनके सारे के सारे भाव को, भक्ति देवी के भाव को जानते हैं, और जान करके जितने सारे उपनिषद, जितने सारे वेद पुराण सारे के सारे शास्त्र ये उनके कान पे बोलते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते। तो सोचे हैं कि नारद जी सोचते हैं कि सारे के सारे जो साज है उसको क्या है, न श्रीमद भागवतम, श्रीमद भगवद गीता में हो सकता है। तब नारद जी श्रीमद भगवत गीता सुनवाया, तो जैसे ही गीता का उपदेश दिया तो वहां पे ज्ञान और वैराग्य थोड़े देर के लिए तो आँख खोले, थोड़े तो उठे, पुनः जैसे ही गीता का समाप्त हुआ, नारद जी जैसे समाप्त किया वहां पे ज्ञान और वैराग्य पुनः मूर्छित हो गए। तब नारद जी विस्मित हो गए और नारद जी वहां पे सारे सारे लोगों को पूछने लगे। नारद जी बड़े आश्चर्य हो गए, बोले भागवत वेद गीता इससे भी कोई और श्रेष्ठ साधन है, वो क्या हो सकता है। तो एक एक जाके एक एक ऋषि मुनि को पूछ रहे हैं, एक एक जगह पे नारद जी भ्रमण करते करते हुए पूछ रहे हैं कि आप कोई श्रेष्ठ साधन जानते हो क्या, आपको इससे भी ऊपर श्रेष्ठ साधन कोई जगत में है क्या। तो नारद जी जब पूछ रहे हैं, नारद जी से महाभागवत ऐसे पूछ रहे हैं, तो जितने बड़े बड़े साधु वहां पे मुनि ऋषि हैं और अन्य अन्य स्थान पे जितने भी मुनि ऋषि हैं वो अपने आप को लज्जित मान रहे हैं, डर रहे हैं कि भाई हमें नहीं आता, भाई हमें नहीं आता। और कोई कोई वहां पे तो वर्णन कर रहे हैं कि कोई कोई नारद जी जैसे ही जाकर वहां पे पूछ रहे हैं तो एक एक साधु वहां पे अपने आप को मौन धारण कर लेते हैं, मौन इसलिए धारण कर लेते हैं कि नारद जी हमें पूछ रहे हैं, हम कुछ नहीं बता पाएंगे तो हमारी क्या स्थिति रह जाएगा। कोई कोई मौन हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं, बोले हमारा मौन व्रत है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो नारद जी बड़े दुखी मन से वहां पे सारे जगह भ्रमण करते हुए पूछ रहे हैं कि इससे भी कोई और श्रेष्ठ साधन है, इससे भी कोई श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसे भ्रमण करते 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 जब नारद जी बद्रिका आश्रम पे पहुंचे, वहां पे से चतुसन को वहां पे साक्षात्कार हुआ और चतुसन फिर वहां से पूछ रहे हैं इसके आगे हम और ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल और 5 मिनट सुन ले ठीक। ओम अज्ञान तिमिरां दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और जोर करके बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत बड़ी साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म मितलीला और विष्णु विष्णु पादोदर श्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजी प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। किसने श्रीला प्रभुपाद को प्रश्न करते हैं, हम लोग का भक्ति कैसे बढ़े, हम यही चाहते हैं ना धीरे धीरे भक्ति हमारी बढ़ते रहे, कोई नहीं चाहता है भक्ति हमारी घटते रहे, हर समय भक्ति हमारी ही बढ़नी चाहिए। किसने पूछा हमारी भक्ति कैसे धीरे धीरे बढ़ेगी, आप कृपा करके बताओ। तो प्रभुपाद कहते हैं सेवा करते करते ही सेवा प्रीति जागी गई, सेवा प्रीति बढ़ी गई। कहते भजन मतलब क्या होता है, हम कहते ना भक्ति कैसे बढ़ेगी, भक्ति कहते हैं किसको, बोले भज धातु सेवया। कहते भक्ति मतलब होता है सेवा, जैसे एक पत्नी
जब पता चलता है कि मेरी पति है, पत्नी क्या करती है, पति की सेवा करती है, जितने सेवा करते उसका भावना बढ़ती है। और देखना धीरे धीरे सेवा करते करते सेवा की भावना बढ़ती, और पति क्या करता है, दिन भर काम करना है, कितना परिश्रम करना है, हमको पता होगा कितने कठोर परिश्रम करना है, 8-10 घंटा काम करना है, फिर घर में आकर पत्नी की आदेश, ये नहीं वो नहीं, ये काम इतना देर कर दिया है, लेकिन सारे परिश्रम करके पैसा किसको दे देता है, पत्नी को। फिर पति से पत्नी को अगर पैसा मांगे 100 रुपया तो 1000 कई बार देना पड़े, बोले 100 रुपया क्या करें, बोलिए कर, बोले नहीं 50 मिल जाएगा 50। इसलिए कारण क्या है, वो सेवा है, वो सेवा करती है, इसलिए सेवा से ही पति इतना विश्वास कर क्यों देता है, क्योंकि वो सेवा करती है, उसको पता घर को यही संभालती है, मैं तो केवल पैसा कमा करके इसको देता हूँ, और घर को संभालने वाले कौन है, पत्नी घर की संभालने वाली पत्नी है, इसलिए परिश्रम करके सारे पैसा पत्नी को दे देती है, इसलिए सेवा। इसलिए भगवान कहते हैं बस कुर्बंती माम हत्या सत पत्नी सत पति जता, जैसे एक पति व्रता नारी पति की सेवा करते 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 उसको अपूर्व इशारा को उठा के बैठा दी, भक्त लोग भी मेरी सेवा करते करते प्रसन्न करते, भक्ति मतलब क्या है सेवा। इसलिए यहाँ कहते हैं, कहते भक्ति कैसे बढ़ेगी, मतलब सेवा से बढ़ेगी, सेवा के बगैर बढ़ेगी। इसलिए जिस समय उपनिषद में कथा किए, मतलब जिस समय श्री दुर्गाचार्य इंद्र ने अगर कोई आत्म तत्व को समझ जाए तो वो जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए ऊपर उठ जाते हैं, परम शांति को प्राप्त करते, किसको, अगर आत्म तत्व को कोई जाने, बोले भैया ये तत्व कौन सिखाएगा, बोले ब्रह्मा जी, अभी ब्रह्मा जी के पास में दोनों गए, देवता का गुरु कौन है, राजा इंद्र और दैत्यों का राजा कौन, ये विरोचन, दोनों गए, दोनों गए जा करके बोले गुरुदेव हमें आत्म विद्या प्रदान कर, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, बोले जा 25 साल तक गया चला, 25 साल तक गया चला, जब 25 साल तक गया चरण के बाद जब आए ना, बोले गुरु जी बताओ आत्म तत्व पर हमें पानी ला, पानी ला, इस पात्र में देखो, इस पात्र में देखो, उसके अंदर में देखा, देखा तो उसका अंदर में अपना परिचय दिखाई पड़ा, बोले ये जो देख रहे हो ना ये आत्मा, अभी जो विरोचन था अभी तो उसको वापस गया, पूछे भैया आप 25 साल तक गैया चराए, बोलो गुरु जी ने क्या आत्म तत्व दिया, बोले आत्म तत्व कुछ नहीं, 25 साल जब गैया चराए ना, ब्रह्मा जी बोले पानी ला, बोले उसको देखो अपना परिचय दिला, बोले आत्मा है, भगवान भगवान आत्म पात्मा कुछ नहीं, ये शरीर सब कुछ है, इस शरीर को खिलाओ पिलाओ तंदुरुस्त रखो, ये सब कुछ, चलिए किसका बुद्धि, बोले राक्षस का, लेकिन इंद्र बुद्धिमान देवता का गुरु बोले ये तो बुद्धि ठहर गई, ये परिचय कैसे आत्मा हो सकता है, ये तो इसमें 10 इसमें 10 इसमें क्या है, दशा है, जायते वर्धते अपक्षयते, जन्म लेता है बढ़ता है, फिर उसके बाद में एक दिन ये मर जाती है, शरीर खत्म हो जाती है, तब ये शरीर जो परिचय दिया ये सब कुछ ना, तो ये कैसे सब पूछे, क्योंकि तो शरीर नष्ट होने वाले, उस तृप्त नहीं हुआ, फिर वापस आए, बोले गुरु जी आप बड़े कर दिए, बोले बताओ आत्म तत्व क्या, बोले जाओ और 25 साल गया चला, फिर 25 साल गया चला, जब वापस आए बोले गुरु जी बताओ, बोले देखो आप जो सोते समय जो स्वप्न देखता है ना, ये जो स्वप्न देखते हो यही आत्म तत्व है, इंद्र थोड़ी दूर जा करके बोले ये कैसे आप स्वप्न देखे हो, कौन कौन स्वप्न देखे, जिंदगी सब स्वप्न देखे, देखना स्वप्न क्या देखते हैं, अरे हम तो देश का राजा बन गया, ए रानी आकर हमारा प्यार दबा रही है, ए हम तो देश का राजा बन गया, लेकिन जब नींद खोलती है ना, जैसे कोई छट्टे फुट्टे बिस्तर लेटा हुआ है, लेकिन स्वप्न क्या देखा, करोड़ रुपया का स्वप्न देखा, बोले स्वप्न झूठा ही होता है ना, स्वप्न में क्या क्या हम नहीं देखते हैं, ये स्वप्न झूठा होता है, बोले भैया ये कैसे बोल दी, फिर वापस आए, बोले फिर 25 साल, जब उन्हें 100 साल तो भैया चढ़ाए, फिर जाकर के आत्मा तत्व को प्राप्त करता है, ये शरीर किया आत्मा किया मन किया बुद्धि किया अहंकार किया, ये आत्मा कैसे न जाए ते नाम देते अजो नित्य शाश्वत है, वंशा जीर्णानि तथा विहाय, जैसे
एक वस्त्र पुराने होने पर उसको छोड़ करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर में जाती है। तो उन्होंने आत्म तत्व बताया। तो यहाँ पर उपनिषद की कथा प्रभुपाद कहते हैं वो पहले आते हैं उसका ब्रह्मज्ञान बताता ना आत्मज्ञान बताता है, वो 100 साल तो गया क्यों चला बोले कारण है जब तक तो कोई गुरु जी की सेवा नहीं करेगा ना और दिन भर माला लेकर बैठ जाए बोले सेवा विवाह की कोई जरूरत नहीं, हम तो सिद्ध स्वरूप की चिंता करें वो कुछ होने वाले नहीं। इंद्र जैसे व्यक्ति को 100 साल गया चलाना पड़ा और हम क्या, इसलिए भगवान एक व्यक्ति को कब ये ज्ञान प्रदान करते हैं बोले जब में पैसे प्रणुते तेन लगता तैसे से आत्मा विपुणते तनुश्याम, भगवान उनको पास में ही आत्म प्रकाश करते हैं। किसको पास में, सही जाने जा रहे देहु जनाई, उसको वही जान सकते हैं भगवान जिसको जनाते हैं। अगर वो किसको नहीं जनाएंगे ना भैया उनको नहीं जान सकते हो। इसलिए जो आत्मविद्या की सेवा वृत्ति को द्वारा ही आत्मविद्या प्रकाश होता है, सेवा के बगैर कुछ नहीं होता है। इसलिए क्या करनी चाहिए, इसलिए मेरे गुरुजी कहते थे कि शरीर को ना रगड़ करके सेवा में लगाओ। मेरे गुरुजी कहते जो ब्रह्मचर्य जीवन है ना इतने आसानी जीवन नहीं, ये ब्रह्मचर्य पालन करना इतने आसानी नहीं, ये मन को शास्त्र भी मन को अगर कोई बोला हम शास्त्र पढ़ के कंट्रोल कर नहीं कर सकते हैं। मेरे गुरुजी कहते थे ब्रह्मचारियों को सेवा करो, जब 24 घंटा सेवा में रगड़ रगड़ लगाओगे मन उसमें आवेश रहेगा और सेवा से संस्कार बनेगी, वो संस्कार से ही पर भक्ति होगा। नहीं तो दिन भर माला लेकर बैठेंगे जैसे पूर्व इतिहास पहले पहले जो गुरु किया वही याद आता होगा, इधर नाम भी चलता मन चलता लेकिन मन कहा है, वहाँ मन विषय नहीं, मन वही विषय की चिंता कर रहा है और इधर माला चल रही है वो अपराध माला क्या करने से नवा अपराध होगा। इसलिए मेरे गुरु जी कहते थे सेवा को ज्यादा जोर देते थे, हाथों में सेवा करो और भगवान की नाम जब तक उसमें ज्यादा लाभ है, अगर फांकी मार करके बहाना बना दिया नहीं इतने हरिनाम करना, लेकिन हरिनाम का बहाना बना करके दिन भर विषय चिंता कर रहे तो उसको हरिनाम के नाम अपराध है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं सेवा करते करते ही सेवा प्रति जागवे, जब हर समय हम ठाकुर को सेवा करेंगे सेवा करते करते सेवा वृद्धि हृदय में जगेगा। बोले सेवा प्रवृत्ति बाढ़ तपन किया तब क्या होगा, तुम्हारी जो सेवा प्रवृत्ति है वो धीरे 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 सेवा बदल, जेखने गुरु कृष्ण ने सेवा करवार इच्छा नाई सेखने आवार बाढ़ की कथा है, कितना भक्तियां हमारी कैसे बढ़ेगी। वो कह रहे हैं जहाँ पर गुरु जी और सेवा करने वाली इच्छा नहीं, जहाँ पर गुरु जी और कृष्ण की सेवा करने की कोई इच्छा नहीं तो भक्ति कैसे बढ़ सकती, भक्ति बढ़ नहीं सकती। भक्ति तभी बढ़ेगी जब गुरु कृष्ण की सेवा हम करेंगे तभी जाकर भक्ति बढ़ेगी, गुरु कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो भक्ति कहाँ बढ़ सकती, बढ़ नहीं सकती है। इसलिए कहते हैं नतुवा इंद्रिय परायता वा संसार प्रवृत्ति बाहर, जब गुरु कृष्ण की सेवा नहीं करने पर क्या हुआ अपना इंद्रिय तृप्ति बढ़ेगा है, अपना इंद्रिय तृप्ति बढ़ेगा फिर संसार का प्रवृत्ति तुम्हारे हृदय में संसार का प्रवृत्ति बढ़ेगा भक्ति प्रवृत्ति बढ़ेगी नहीं। निरंतर साधु गुरु सेवा कर ले सब सुविधा हो जावे। देखो हम हर समय क्या चाहते हैं अपना सुविधा, बोले गुरुदेव हम ये अच्छा नहीं लगता, गुरुदेव हम अमुक स्थान पर जाना चाहेंगे कोई पर भजन उसको क्या भजन गए, गुरुदेव जो चाहते हैं उसकी इच्छा जान करके जब सेवा करेंगे तब तो भजन होगा। गुरु जी को बोले गुरु जी हमें यहाँ अच्छा, गुरु जी कहते यहाँ रहो, बोले गुरु जी हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, अगर हम वहाँ जाएंगे ना हमारी सुविधा होगा, अगर वहाँ पर कुछ दिन रहकर मन कुछ अट गया बोले गुरु जी यहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा, गुरु जी अब का स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पर अच्छी लगेगा, फिर क्या हुआ तो गुरु सेवा हो ना अपना सेवा हुआ है कि अपना सेवा हुआ ना गुरु जी की सेवा हुआ है, ये अपना सेवा हो गया। इसलिए प्रभुपाद भगवत प्रचार करने के लिए जो रसिया की भक्त आए ना कि रसिया में कि रसिया के लोग होकर के रसिया में जाकर प्रचार किया तभी तो जाकर वहाँ के भक्त लोग आए और उन लोगों को जेल में बंद कर दिया, कम्युनिस्ट कंट्री थी
जो प्रचार कर रहे थे भक्ति उनको चिरबंध किया, लेकिन उन लोगों ने कैसे भक्ति किया कि ब्रेड उनको खाना देते ना, वो ब्रेड को एक माला बना दिया है और जेल में बैठ बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, एक माला रखते थे फिर एक माला रखते थे फिर एक एक ब्रेड ऐसे ही जेल में बैठ कर भी उन लोगों को भजन किया। एक आते हैं प्रभु स्वामी महाराज का शिष्य है अभी भी, हम जाते हैं उनको घर, ऐसे उन लोगों ने जान दे करके उन्होंने प्रचार किया। कहाँ पर? कम्युनिस्ट कंट्री रशिया जैसे प्रचार किया, तभी जो गोरे गोरे देखते हैं तभी आए। अगर कोई बोलते नहीं हम तो वृंदावन में रहेंगे भजन करेंगे वृंदावन में, तो दुनिया में प्रचार होता, महाप्रभु का प्रचार होता। इसलिए हमारे गुरुवर्गों ने धाम को जितने महत्व दिया ना, ज्यादा महत्व गुरु जी की सेवा को महत्व दिया। इसलिए अक्सर करके हमारे गुरुवर्ग कलकत्ता में भजन किया। गौर किशोरदास महाराज बोले कलकत्ता में नहीं जाना, ये कलिका राज्य है, ये कलिका राज्य है, ये कलकत्ता वहां पर जाना नहीं, महाप्रभु का प्रचार होगा, महाप्रभु की प्रचार होगा। अगर सब जाकर के वृंदावन में बैठ गए माला लेकर बैठ गए, प्रचार होगा? अकेले भजन कर सकते हैं? कलयुग में अकेले भजन नहीं हो सकता। संगे शक्ति, यहाँ पर जैसे उत्सव हो रहा था जन्माष्टमी, कितना लोग आए तभी तो उत्सव हुआ, कितने लोग आए तभी तो उत्सव हुआ। आपने बुलाया सब? अगर इतना लोग नहीं होता तो उत्सव होता? उत्सव होता है, उत्सव होता है। अगर हम वृंदावन में बैठ जाए तो उत्सव होता है, होता ही नहीं उत्सव? शक्ति कलयुग में संघे शक्ति, शक्ति संघ में, संघ में जो बहुत लोग हो मिलकर कीर्तन कर, तभी कलयुग में शक्ति, अकेले भजन नहीं होगा। इसलिए कहता भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं एकाकी अमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने, अकेला मेरा भजन में शक्ति नहीं मिल रहा है। इसलिए तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया कृष्ण नाम। इसलिए कलयुग में संघ से ही कलयुग में शक्ति। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं निरंतर साधु गुरु सेवा कर ले सब सुविधा हवे। सुविधा कब होगा? हम चाहते अपना सुविधा हो, बोलो भैया सुविधा, अपना सुविधा तुम खुद नहीं कर सकते हो। वो सुविधा तभी होगा जब हम लोग गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, इसी से ही हमें सुविधा मिलेगा। अपना इच्छा से है, अपना इच्छा से सुविधा कभी जीव को मिल नहीं सकती है। तार नौकरी यदि हमारा संसार रे सेवा, माया रे सेवा बा निजर सुख सुविधा निजर व्यस्त था कि ताहले नाना विध अमंगल अशांति ऐसे हमारे को भी विपन्न करेंगे। अगर हम साधु गुरु वैष्णव का सेवा छोड़ करके अगर हम संसार की सेवा करें, माया की सेवा करें, अपना सुख सुविधा लेकर के दिन रात इसी में ही हम व्यस्त रहे, तो उसमें क्या होगा? बोले तरह तरह का अमंगल अशांति आकर के हमें तरह तरह का दुख कष्ट प्रदान करेगा। इसलिए हम अपना कहते ना तुम्हारी इच्छा है मोर इच्छा मिलाई लो, कहते अपना कोई इच्छा हमें नहीं रखनी चाहिए। जैसे हमारे भक्ति बोले नारायण गोस्वामी महाराज, जब हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनका संन्यास देने के लिए चाहे संन्यास लो, उन्होंने क्या बोले? बोले गुरुदेव मैं जब घर बार छोड़ करके आया हूँ, मेरी पत्नी का जो प्रति प्रीति वो प्रीति आपका चरण में दे दिया, बच्चों का प्रति जो प्रेम आपकी चरण में हमने दे दिया, जो अपना जितने सुख सुविधा संसार सब आपका चरण में हमने दिया है। आप अगर नंगे रखना चाहोगे तो नंगे रह सकते हैं, अगर सफ़ेद कपड़ा पहना कर चाहोगे तो सफ़ेद कपड़ा पहन सकते हैं, अगर संन्यास देना चाहोगे तो संन्यास दे सकते हैं। इसको सुन करके इतने प्रसन्न हो गए भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज, और ये सही शिष्य। इसलिए हमारे से भक्ति प्रज्ञान त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कहते थे, एक समय क्या हुआ नवद्वीप में जो परिक्रमा हो रही थी, आप लोग अब तो महाराज को देखे ही नहीं, जब महाराज चलते थे ना हमको सुबह से सब सब चलते थे, हजार हजार सौ सौ भक्त चलते थे। तिंग्रव महाराज से मिलने के लिए हमारे भक्त राय गोस्वामी महाराज गए, जब गए तो महाराज के पीछे के साथ अंग्रेजी देसी भक्त सब गए तिंग्रव गोस्वामी महाराज के पास, साथ में जब चले वहाँ पर बैठे, लेकिन जब हमारे भक्त नारायण महाराज बात करके वापस चले आए तो सबके सब उनको पीछे चले आए, तो मैं भी वहाँ पर था। तिंग्रव गोस्वामी महाराज कह रहे
तो देख रहे हो ये महाराज के पीछे कितने लोग क्यों है, किसी ने लिस्ता पटा रूप में अपना गुरु जी को सेवा एकदम जी जान देकर गुरु सेवा किया, गुरु जी का आदेश को उन्होंने पालन किया, गुरुदेव जहाँ पर भेजे वहीं पर जाकर उन्होंने महापुरु का वाणी उन्होंने प्रचार किया गुरु जी, इसलिए आज संपूर्ण पृथ्वी में जिनका नाम। इसलिए हमारे महाराज कहते थे गुरु जी के चरण में जो भक्ति गुरु निष्ठा ही भक्ति जगत का बैकबोन है, रीढ़ है, अगर रीढ़ है तब तो हम बैठे हैं ना, नीम है तब तक ये घर खड़ा हुआ है। इसलिए अपना स्वतंत्रता को हमें त्याग दे करके गुरु जी की इच्छा से अगर हम इच्छा मिला कर करेंगे तब एक दिन भी हम जगत में बड़े बन सकते हैं। अपना जैसे चाहोगे नहीं हम वहाँ जाना चाहते वहाँ घूम गए, वहाँ मन नहीं लगा बोले नहीं हमको भी यहाँ अच्छा नहीं लगता पर हम वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ गए वहाँ भी अच्छा नहीं लगा फिर वहाँ ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा, बजट थोड़ी होगा, बजट थोड़ी होगा। इसलिए जब हम पुरी में थे वहाँ पर कंटिन्यू कितने साल तक हम पुरी में वहीं पर रहते थे, वहीं पर जिंदगी में हम जीवन में रहे और वहाँ से तो वहाँ से जो आलाकनाथ कितना थोड़ी दूर है लेकिन गुरु जी का आदेश नहीं होने का कहते आलाकनाथ को हम नहीं गए, वहाँ साखी गोपाल कितना दूर है गुरु जी की इच्छा नहीं हुआ था हम वहीं पर रह करें सेवा की रगड़ करके अपने शरीर की सेवा की, कितना दूर साखी गोपाल थोड़ी दूर है वहाँ तक भी हमने दर्शन के लिए नहीं गए, क्यों गुरु जी की इच्छा नहीं, गुरु जी की गुरु जी भेजे नहीं तक हमने नहीं गए। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं अगर नीचे सुख सुविधा नहीं है व्यस्त था वो अपना सुख सुविधा लेकर अगर व्यस्त रहेगी, प्रभुपाद कहते हैं तरह तरह का अमंगल अशांति और आकर हमें जिंदगी भर विपन्न करेगा, जिंदगी भर वो हमें दुख कष्ट देते करेगा। इसलिए भक्त संग भक्त सेवा छाड़ा भक्ति पाहे ना, भक्त का संग भक्तों की सेवा छोड़कर कभी जिंदगी की भक्ति बढ़ नहीं सकती है। हमी गुरु कृष्ण के आश्रय कर ला किंतु ताहरे सेवार दिगे अमार आदम दृष्टि ना, अगर हम बोलेंगे हमी गुरु कृष्ण के आश्रय कर ला क्या बोलते हैं, हम गुरु कृष्ण का आश्रय लिया, कृष्ण को गुरु जी का हमने आश्रय लिया किंतु तादर सेवा दिगे अमार कोन दृष्टि नहीं, बोल दे गुरु जी हम तो आपका ही हैं लेकिन उनकी सेवा के प्रति हमारे कोई दृष्टि नहीं, ऊपर से कहते हैं हम गुरु जी की ठाकुर का आश्रय लिया लेकिन सेवा के प्रति तुम्हारी कोई दृष्टि नहीं, भक्ति पर आश्रय करे यदि भक्ति ना करी नाना भावे सेवार करवार जन्ने प्रस्तुत ना होई ताहले मंगल आशा कुथाए, जैसे भक्ति पथ आश्रय करके अगर भक्ति अगर नहीं करते हैं, भक्ति पथ को तो आश्रय लिया लेकिन भक्ति करते नहीं नाना भावे सेवार करवार जन्ने प्रस्तुत ना होई, भगवान की सेवा करने के लिए हम प्रस्तुत नहीं है तब भाई कहते हैं भैया भैया मंगल का आशा कहाँ कहाँ मंगल हो सकता है, आगे गुरुपाद पद्म आश्रय करते हवे निज लघु होते हवे यह नाम आश्रय। आश्रय कहते किसको, बोले आश्रय उसे कहते हैं पहले गुरु जी का चरण को आश्रय लेना पड़ेगा हैं, आश्रय लेकर के अपने आप को छोटा मानना पड़ेगा, अगर बड़ा मान लिया गुरु जी की चरण आश्रय लिया अपने आप को बड़ा मान गए तो गुरु जी का आश्रय कहाँ मिलेगा, इसलिए यह नाम आश्रय इसको कहते आश्रय। आश्रित काज होचे कृत्य होए सेवा करा, आश्रय लेना मतलब क्या है हम कृत्य होकर के उनके चरण की सेवा करे तभी उसको आश्रय करते, किंतु आमरा तो आमरता तो चिकी प्रभुपाद कहते कह रहे तो आश्रय लिया क्या हम वो कर रहे हैं क्या है, कहते किंतु आमरता तो चिकी मतलब क्या सचमुच से हमने आश्रय लिया सर्व सद्रुपाद पद में अर्पण करता है तबे तो पूर्ण वस्तु पावा जावे, कहते पूर्ण वस्तु कैसे प्राप्त करेंगे बोले गुरु जी के चरण में सब कुछ अर्पण करोगे हैं करोगे तभी तो जा करके क्या करोगे तभी तो पूर्ण वस्तु मिलेगा, ऊपर थोड़ी सी बोलने होगा हम गुरु जी का गुरु जी आप जो बोलेंगे वही करेंगे गुरु जी के आश्रय में, बोले भैया गोरा रामी बोले ले मुखे ना चले, कहते गोरार आचार गोरार प्रचार लय ले फल पहले, मैं गोरा महापुरुष का हूँ महाप्रभु का हूँ भैया बोलने से काम नहीं चलेगा, जब उनका आचरण को अपना जीवन में ग्रहण करेंगे तभी तो उसका फल मिलेगा, फलेगा कहाँ से,
इसलिए गुरु के सर्वस्व देवार पूरे कथा हमारा किछु देते चाहिए। कहते बोले ना हम गुरु जी को सब कुछ दे देनी चाहिए। बोले गुरु जी को क्या दोगे? कहते हैं गुरु के सर्वस्व देवार पूरे कथा, गुरु का सब कुछ देने का तो दूर बात छोड़ दो, उनको कुछ भी देना नहीं चाहते। लेकिन ऊपर से क्या कहते हैं, गुरु जी आप ही हमारे सर्वस्व हो, गुरु जी सब कुछ आप ही हो। इसलिए अथच मुख्य कृपा चाहिए, लेकिन भगवान की चाहिए। लेकिन मुंह से केवल बोलते हैं, लेकिन वास्तव रूप में हम भगवान नहीं चाहते हैं। अंतर्ज्यामी के फांकी देवा चले ना, भगवान का अंतर्ज्यामी तो तुम्हारी अंदर में बैठे हुए, ऊपर बोल दोगे गुरु जी सब कुछ आपका, लेकिन अपना चाबी गाड़ी हमारे पास है, गुरुदेव सब कुछ तुम्हारी है लेकिन चाबी गाड़ी हमारे पास है। तब यहाँ प्रभुपाद कहते अंतर जान के फांकी द्वार चले ना, भगवान को ठग नहीं सकते हो, वो सब जानते हैं तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हैं तो भगवान ठग नहीं सकते हो। गुरुपाद पद्म दर्शन ना होले कृष्ण सेवा प्रवृत्ति की कभी जा रही है। कहते गुरुपाद पद्म का दर्शन नहीं होने से कृष्ण सेवा कहाँ से जग सकती है। गुरुपाद पद्म दर्शन यदि आमार जोशी जसन भाई संसार कर प्रकृति बाड़े तब पतन भाई गलो बुद्ध करके बोलो ना। तो प्रभुपाद कहते हैं गुरुपाद पद्म को दर्शन करने का बाद अगर जोशी जसन होता है तो माया दर्शन होता है। कहते हैं संसार कर प्रकृति बाड़े, अगर संसार करने का प्रवृत्ति अगर बढ़ता है क्या होता है, बल्कि पतन हो गया है, कहाँ तुम ऊपर बढ़ सकते हो। इसलिए यदि केह वास्तविक गुरुपाद पद्म आश्रय करे आर यदि पृथ्वी सहित गुरु सेवा करे ताहले निश्चय कृष्ण सेवा लाभ। कहते कृष्ण सेवा कब मिलेगा, बोला अगर गुरु जी के चरण में आश्रय करते हुए अगर हम गुरु की सेवा अगर निश्चित रूप में करते हैं तभी हमारी भक्ति बढ़ सकती है। कृष्ण विषय दिव्य ज्ञान लाभ हवे, सेवा प्रवृत्ति वर्धित हवे, सेवा मग्न है, तभी हमारे दिव्य ज्ञान भी मिलेगा, सेवा प्रवृत्ति भी बढ़ेगा और एक दिन हमें भी सेवानंद भी एक दिन प्राप्त होगा। इसलिए तभी भक्ति हमारी बढ़ सकती है, नहीं तो भक्ति बढ़ने वाले कुछ बात है। इसलिए भक्ति बढ़ाने के लिए क्या करो, सेवा करो। गुरु जी वैष्णव की आदि रत्य में ही रहना चाहिए।